वह क्या कर चुका रहेगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आज की इस वीडियो में तो दोस्तों इस सेंटेंस के अंत में चुका रहेगा इसलिए ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम होता है पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं और इस सेंटेंस का डब्ल्यू एच वर्ड है क्या तो पहले क्या की मीनिंग लिखेंगे वॉट उसके बाद सेल या विल है में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे विल रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट है वह तो वह कि इंग्लिश ही लिखेंगे उसके बाद हैव लगाना है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो इस सेंटेंस का वर्ब है कर चुका रहेगा यानी कि करना करना को इंग्लिश में डू कहते हैं डू का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यह हो जाता है डन तो हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट वह क्या कर चुका रहेगा इस सेंटेंस की इंग्लिश होती है वाट विल ही हैव डन वाट विल ही हैव डन तो दोस्तों ऐसे ही और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ और यदि आप चैनल पर नए हैं तो रोजाना ट्रांसलेशन सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें